Nikki Sharma, the Honourable Minister, Dr. Mehta, Dr. Klein. I first of all, and of course, all of you gathered here today. एक तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर शमीन शर्मा जी को, जिन्होंने एक सपना पूरा करके आज हम सब के राजस्थान के सामने खड़ा करा। मुझे याद है कि 2003 के अंदर डॉक्टर खान आल एक्सप्लेन दिस टू यू व्हेन यू गो इन। 2003 के अंदर जब डॉक्टर साहब पहले हमारे पास आए थे, was it 2006, जब उन्होंने हमको एक सपना दिखाया, तो उन्होंने भी माउंट सिनाय का नाम दम दिया। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कौन है जिसको माउंट सिनाय का नाम मैंने मालूम नहीं है, कोई? मैं समझती हूँ कि अमेरिका का अगर कोई भी यहाँ स्टूडेंट, यहाँ हमारा हिंदुस्तान का स्टूडेंट अगर है, अमेरिका के हॉस्पिटल्स के बारे में अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले वो बात करेगा माउंट सिनाय। और आज डॉक्टर क्लाइन हमारे बीच में है, ये एक किस्म से वो सपना जो उन्होंने सब दिखाया था उसको पूरी तरह से प्रूव करने में इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं। दो साल पहले जब मेहता, डॉक्टर मेहता जी जहां आए थे और हमने आपके उस कार्यक्रम को अटेंड किया था, तो उसमें आपने मुझे आईटी प्रोग्राम के बारे में, टेलीमेडिसिन के बारे में, और आपने वो भी एक सपना दिखाया। मैंने सोचा था कि ये सपना इतने जल्दी पूरा हो सकता है क्या? फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर शमीन शर्मा ने जब इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतना बड़ा सपना पूरा करके खड़ा कर दिया है, तो उनके जो बहुत अच्छे दोस्त कहलाते हैं वो भी मुझे पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं बताएंगे, परंतु राजस्थान के बारे में जो बता रहे हैं वो तो पूरा करके जरूर ही जाएंगे। आज वो सपना पूरा हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे से पूछा कि चलिए यहाँ आना, ये ऐसा कार्यक्रम है, हेल्थ का कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग कोई छोड़ नहीं सकते। और जब राजस्थान के हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए आप चला के काम कर रहे हो, तो ये तो फिर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, आना तो आपके बीच में जरूर है ही। राजस्थान भी बहुत बड़े कदम उठा रहा है, चाहे वो आरोग्य राजस्थान हो, चाहे हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे वो हमारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, परंतु चार चांद जब लगते हैं, जब हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं, अपने देश के अंदर ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, अपने खुद के राजस्थान के मेडिकल परीक्षणों को। और मैं आज आपको कहना चाहती हूं कि हार्ट नंबर टू हार्ट सर्जरी करके, ओपन हार्ट सर्जरी करके आपने जो हार्ट ट्रांसप्लांट का काम किया है, और उसके साथ साथ जो पायनियरिंग कदम आपने टेलीमेडिसिन के अंदर किया है, वो तो अपने आप में बड़ा है ही, परंतु मैं मानती हूं कि आने वाले समय के अंदर आप कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करोगे, अवेयरनेस को भी चालू करोगे, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए समझते नहीं है कि वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप किस तरीके से उसको समझोगे, और वो ये नहीं समझते कि अगर 5 मिनट की बचत भी आपने हार्ट अटैक के अंदर कर ली तो कितनी, मैंने आपने बड़ी बचत कर ली। ये अवेयरनेस हर एक छोटे से छोटे आदमी तक, और मैं अब ये गरीब की बात नहीं कर रही, कितने दूर हो गरीब, चाहे गांव में बैठा हो, चाहे शहर के अंदर बैठा हो, हर एक आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं जितने जल्दी हॉस्पिटल में ये पहुंच सकता हूं उतने जल्दी मेरा इलाज हो सकता है और उतनी जल्दी ही मेरी जिंदगी बच सकती है। मैं तो मानती हूं कि राजस्थान को एक बहुत बड़ा कदम आज आपके द्वारा करने को देने को मिल रहा है, और वैसे भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान को ऊंचाइयों तक इस देश के अंदर और इंटरनेशनली पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस हेल्थ सर्विस के अंदर भी आप अगर इसको लाते हैं तो मैं समझती हूं कि आपने बहुत बड़ी मदद हम सब की करी है। बहुत सारे लोग जहां नहीं है वहां तक उनको पहुंचाने की जरूरत है। कैपेबिलिटीज और ट्रेनिंग अगर आप करा देते हो तो मैं समझती हूं कि वो गांव गांव तक पहुंच सकते हैं। और जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, एम्बुलेंस
fully fitted ambulance with the fully trained paramedics. हार्ट क्या बहुत सारी बीमारियों को मदद करने में ये एम्बुलेंस आपका एक सहायक साबित हो सकता है. आज आप मेरे को किस तरीके से चलता है मेहता साहब आपको बताने वाले हो. मैं आतुर हूं उसको देखने के लिए क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ किस तरह से आपका कनेक्शन होगा और कितने जल्दी, क्योंकि अभी तो मेरे को ये बताया कि 4 किलोमीटर की दूरी तक आप पहले फेज में इसको करना चाहोगे और फिर हब और स्पोक अप्रोच को लेते हुए पूरे राजस्थान के अंदर इसको फैलाने की कोशिश करना चाहोगे. मैं तो ये जानती हूँ कि ऐसे बड़े काम के अंदर सरकारी अस्पताल तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल भी पीछे नहीं रहेंगे और आने वाले समय के अंदर हम अपने लोगों को ये चीज दिला सकते हैं जिसका कॉस्ट आपने कहा कि समय आते हुए हो सकता है कि 50,000-60,000 तक आप पहुंचा दोगे. तो ये तो वो चीज हमारा ही सपना पूरा नहीं है, मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही होगा कि कैपिंग ऑफ एक्सपेंसेस चेंज. और आपको ये याद होगा कि 2000, अभी तो आज बात हो रही है, परंतु 2006 के अंदर मैंने आपसे ये बात की थी तो आप लोगों ने फ्री स्टेंट्स इकट्ठा करके हमको देने का काम कर शुरू किया. और मैंने आप मुझे तब नहीं मालूम था कि स्टेंट्स को आप बहुत दिन तक रख नहीं सकते हो. रात में मेरे को ये कहा था कि मैं ज्यादा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उतने स्टेंट्स जितने हैं उनको यूज करें फिर और नए स्टेंट्स लाने का हम बात करें. तो मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला. सो वो प्रधानमंत्री जी का सपना जिससे उन्होंने कहा कि स्टेंट्स को कैप किया जाए, वो अपन ने फ्री से चालू किया है और चलते चलते हार्ट को, मैंने हार्ट के ट्रीटमेंट को अगर 50,000 तक आप उसको ले आओगे तो मानो राजस्थान के अंदर कितनी बड़ी चीज हो गई है. क्योंकि इतना महंगा ट्रीटमेंट दुनिया के अंदर जो है और हमारे देश के अंदर भी आज सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, मैं समझती हूँ यही एक बहुत बड़ी बात है. फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. आप लोग भी सब यहाँ आए ऐसे इम्पोर्टेंट, मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक मौके पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं. एक बहुत बड़ा सौगात आप लोगों ने हमको दिया है, उसके लिए हम आप सब के बहुत बहुत आभारी हैं. आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और डॉक्टर साहब मैं इसको देखने के लिए भी आती हूँ.